जनरल व्यास विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री भंवर सिंह भाटी जी, कुलपति श्री बी आर चौधरी जी, विभिन्न संकायों के अधिष्ठातागण, निदेशकगण, सिंडिकेट और सीनेट के माननीय सदस्यगण, सम्मानित शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित विभिन्न छात्र परिवारों से आए हुए अभिभावकगण, सभी छात्र छात्राएं, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस दीक्षांत समारोह में जिन छात्र और छात्राओं को उपाधियां प्राप्त हुई है उनको मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में भी जो पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात अपने नए क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने में किंचित भी कमी नहीं करेंगे, ये मेरी शुभकामना है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैंने स्वर्ण पदक धारक छात्रों को सम्मानित किया दिया, 145 छात्र छात्राओं को मैंने स्वर्ण पदक प्रदान किया है और उसमें जो छात्र हैं उसमें से 50 छात्रों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है और 96 छात्राओं को 33 भी छात्र और 67% छात्रा, मैं दोनों को बधाई देता हूं। लेकिन अपेक्षा करता हूं जहां छात्राएं अपने प्रतिभा के आधार पर लगातार जिस विषय में अध्ययन कर रही हैं उनके प्रति अभ्यासरत रहते हुए उन्होंने पदक प्राप्त किया है, उसी तरीके से हमारे छात्र बंधु भी जिस विषय को चयन करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, अभ्यास करते हुए अच्छा स्थान प्राप्त करें, अच्छा होगा। ये जनरल व्यास विश्वविद्यालय निश्चित रूप से उनके प्रतिभा के कारण पूरे देश में अपना नाम रोशन करेगा, ये मैं शुभकामना देता हूं। क्योंकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा हुई है और सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां राष्ट्र तो रहे ही, साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में उनका एक विशेष स्थान था। धर्म के बारे में भी उनकी अपनी सही माने में जब ने कहा गया है धारणा सधर्माय इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा, ये नैतिक मूल्यों के द्वारा ही हो सकती है। नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देकर शिक्षा के क्षेत्र में उसकी गुणवत्ता बढ़े, लगातार डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने यह प्रयास किया है। यह विश्वविद्यालय 5.5 दशक की अपनी शैक्षणिक यात्रा पूरी कर चुका है। किसी भी संस्थान की पहचान उसके शैक्षणिक गतिविधियों से होती है। इस लंबी यात्रा को करने में विश्वविद्यालय के विकास में भागीदारी निभाने वाले लोगों को मैं बधाई देता हूं। विद्यार्थियों को मानवता, सहनशीलता, सत्यता,
वह ईमानदारी के पाठ भी पढ़ाए जाए यह अपेक्षा करता हूं। शिक्षा समाज का दर्पण है, समाज की उन्नति अथवा औन्नति शिक्षा पर निर्भर करती है। जिस समाज में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होती है वह समाज वैसा ही बन जाता है। क्योंकि शिक्षा के उद्देश्यों का जीवन के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करना भी ठीक ऐसे ही है जैसे जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करना होता है। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहां से अनेक कानूनविद, शिक्षाविद, समाजसेवी, उद्यमी, अभियंता एवं राजनीतिक तैयार हुए। अभी वर्णन किया अशोक जी इनसे अपनी शिक्षा प्राप्त किए थे जो आगे मुख्यमंत्री हैं, जो देश के देश और विदेश में विश्वविद्यालय के गौरव को बढ़ा रहे हैं। आज आधुनिक सूचना एवं तकनीक से परिपूर्ण हमारे विश्वविद्यालय युवा पीढ़ी के लिए ज्ञान अर्जन के प्रमुख केंद्र हैं। शिक्षा के इन मंदिरों से ही देश के कर्णधार तैयार होते हैं। मैं शिक्षकों का आह्वान करता हूं कि वह छात्र छात्राओं को निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन अद्यतन शिक्षा प्रणालियों एवं तकनीक से कराएं। शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, अर्थात व्यक्तित्व विकास और चरित्र का निर्माण शिक्षा का मूल उद्देश्य है। व्यक्ति का विकास एक स्वस्थ दिशा में होता है तो उसी प्रकार का उसका चरित्र बनता है। मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो सचरित्र हो, चाहे उसे वेदों का ज्ञान भले ही कम हो, उस व्यक्ति से अच्छा है जो वेदों का पंडित होते हुए भी शुद्ध जीवन व्यतीत न करता हो, आचरण व्यवहार ठीक न हो। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है और उसमें साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों को जो निम्न स्तर का व्यवहार करते बड़े ज्ञानी होगा उनको चंडाल की श्रेणी में रखना चाहिए। ये उन्होंने कहा है, उनको चंडाल श्रेणी में रखना चाहिए जो समाज के अंदर विकृति पैदा करता हो, महिलाओं को बिना सम्मान का भाव रखते हैं, अहंकार के कारण समाज को ध्वस्त करते हैं। ऐसे लोग बड़े विद्वान होते हैं लेकिन समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो निम्न स्तर पर उसको उन्होंने दिखाया है। आज समाज में नैतिकता, सच्चरित्र, दया, परोपकार जैसे जीवन मूल्यों को की निकाल की आवश्यकता है। इन जीवन मूल्यों के आधार पर ही आज की युवा पीढ़ी भारत के भविष्य को सुधारने का कार्य करेगी। युवा ही भारत का भविष्य है। मुझे बताया कि लगभग 60% हिंदुस्तानी युवा है। अब 60% युवा है तो युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। विश्व की महाताकत बनकर दुनिया को हर क्षेत्र में चुनौती दे सकता है। यह भारत के युवा की प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा, समर्पण का भाव और अपने देश के प्रति अटूट श्रद्धा, उस आधार पर जुट करके वो कुछ भी कर सकने में सक्षम हो सकता है। हमारा उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है। उन्हें परंपरागत शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। साथ ही कौशल विकास की शिक्षा युवाओं को दी जानी चाहिए ताकि शिक्षा पूरी करने के बाद आत्मनिर्भर बन सके। किसी भी शिक्षा का बुनियादी उद्देश्य होता है कि वह विद्यार्थियों में स्वावलंबन की भावना विकसित करे। वैश्वीकरण के दौर में विश्वविद्यालय के दायित्व बदल गए हैं और जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। वर्तमान की चुनौतियां विशेषकर विज्ञान, अभियांत्रिकी, कला, साहित्य,
संस्कृति मीडिया एवं तकनीकी विषयों में विद्यार्थियों को दर्ज किया जाना आवश्यक है। मारवाड़ क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय के होने के कारण मरुभूमि को आधुनिक भारत के अनुकूल जैसे ढाला जाए, इसके लिए भी शोध एवं अनुसंधान होने बहुत आवश्यक है। इस अंचल में भारत सरकार के अनेक कृषि विधि तकनीक एवं औषधीय क्षेत्र के अनुसंधान केंद्र संचालित है। इन संस्थानों ने केंद्रों का सहयोग लेकर इस मरुस्थलीय अंचल को उपजाऊ उर्वरा युक्त एवं हरा भरा बनाने की आवश्यकता है। आज पर्यावरण प्रदूषण का वैश्विक संकट है, इसलिए वृक्षारोपण के कार्य में गति प्रदान कर पर्यावरण को संरक्षित करना आज बहुत आवश्यक है। शिक्षा का लक्ष्य समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है। अभी स्वामी विवेकानंद का उल्लेख किया था, तो स्वामी विवेकानंद इसके बारे में ही बोलते थे कि व्यक्ति के अंदर के आत्मविश्वास को जागृत करना सही मानवीय शिक्षा का मूल उद्देश्य है। आत्मविश्वास जागृत होगा तो व्यक्ति को हर विषय पर पकड़ होगी, और जब पकड़ होती है तो व्यक्ति किसी भी तरीके के किसी भी सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम होता है। और इसलिए शिक्षा का इसलिए विद्यार्थियों में परीक्षा उत्तीर्ण करने की भावना से अधिक उन्हें ज्ञानवान बनाने की जरूरत है, जिससे वे विवेक संपन्न एवं तर्कशील बनकर राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने में अहम योगदान कर सके। मुझे जानना पसंदता है कि विश्वविद्यालय ने नांदना कला गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लेकर सघन वृक्षारोपण के साथ आम जन के उपयोग हेतु अनेक कार्य किए हैं। निःशुल्क नेत्र जांच के साथ लैस प्रत्यारोपण, औषधि वितरण, विधवा एवं निर्धन महिलाओं के स्वरोजगार के लिए महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण, यहाँ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं अटल सेवा केंद्र एक निःशुल्क 10 कंप्यूटर प्रदान करने के साथ 2 कंप्यूटर लैब की स्थापना, साक्षरता शिविर, बालिका शिक्षा, बाल विवाह रोकथाम, स्वच्छ और स्वच्छ भारत अभियान और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के माध्यम से जन जन शिक्षा घर घर शिक्षा का अलग जलाने का सराहनीय प्रयास किया है। मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए हुए इस गांव में 2.5 वर्ष के अंतर्गत घर घर कचरा संग्रहण हेतु प्रतिमाह 15,000 रुपए के किराए के वाहन से गांव के लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता लाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करने की दृष्टि से प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण की योजना से नांदना कला गांव के प्रत्येक घर में शौचालय बनाए जा चुके हैं। मुझे जानकारी दी गई है कि नांदना कला गांव के आदर्श गांव से संबंधित सभी योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर दूसरे गांव मोगरा कला को भी आदर्श गांव बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बच्चों का टीकाकरण और गांव में सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है। हर विश्वविद्यालयों को 5 गांव लेने की बात कही गई थी, जिसमें से 2 गांव इस विश्वविद्यालय ने लिया, एक गांव जिसका पहले मैंने वर्णन किया और दूसरा गांव ये है। उस गांव को आदर्श गांव बनाने की आवश्यकता है। हर प्रकार की सुविधा से संपन्न उस गांव को अगर हम बनाएंगे तो स्वावलंबी जीवन व्यतीत करने में वो सक्षम हो सकेंगे। उन्नत कृषि की योजनाओं से कृषकों को जानकारी देना, पशुपालन हेतु पशुपालकों के साथ संवाद स्थापित करना, जल संरक्षण हेतु जागरूकता देना और सौर ऊर्जा और उपयोगिता की जानकारी देना तथा खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत क्रीड़ा मैदान के निर्माण से संबंधित कार्य के विस्तार जैसी अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। विद्यार्थियों के शिक्षण के साथ समाज को आत्मनिर्भर बनाने हेतु इस विश्वविद्यालय का यह प्रयास प्रशंसनीय है। 26 नवंबर को पूरे देश में 17वां संविधान दिवस मनाया गया। आपको बताना चाहता हूं कि संविधान हमारा मार्गदर्शक है, हमारा मूल ग्रंथ है।
संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की मूल भावना का उल्लेख है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार तो दिए हैं, बाद में संविधान ने अनुच्छेद 51 का भी हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य यह दोनों ही संविधान का प्रमुख स्तंभ है। मौलिक अधिकारों को की तो हम बात करते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम हमारे कर्तव्यों को जानें, समझें और उनके अनुरूप ही अपना कार्य और व्यवहार करें। आप लोग युवा हैं, राष्ट्र निर्माण में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए संविधान में प्रदत्त कर्तव्यों को आप लोग आचरण में लाकर आगे बढ़ें। यदि हम सभी ने ऐसा प्रयास किया तो निश्चित तौर पर भारत देश को आगे बढ़ाने में और स्वयं के जीवन को भी प्रोन्नत करने में यह कदम बेहतरीन साबित होगा। आम जन को संविधान की जानकारी होना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता व सामाजिक समरसता के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में युवाओं को मूल कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए अभियान चलाया जाए। देश की युवा पीढ़ी को मूल कर्तव्यों के बारे में बताया जाना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 51 पर विचार विमर्श करने के लिए गोष्ठियां व सेमिनार आयोजित किए जाएं। विश्वविद्यालय अपनी अकादमिक श्रेष्ठता अद्यतन शोध द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। विद्यार्थी एवं शोधार्थी जिम्मेदार नागरिक बने, सच्चाई एवं ईमानदारी से दायित्व का निर्वहन करें, राष्ट्र को विश्व पटल पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में एकजुट होकर सक्रिय एवं सार्थक भूमिका निभाएं। मैं वर्तमान सरकार जैसा भी आपने बताया, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बालिका विद्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और भी कई महाविद्यालयों को खोलकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, इस दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है शिक्षा के अंदर जो अनुशासनहीनता जिसके द्वारा भी लाई जा रही है, पनप रही है, उसको नियंत्रित किया जाए और स्वयं अनुभव कराने का प्रयास किया जाए कि हमारा ये कर्तव्य है कि थोड़ा कि ऐसी हमारे द्वारा व्यवहार न होने पाए जिसके कारण किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पनपे। डिजिटल एजुकेशन, इसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हर यूनिवर्सिटी को स्मार्ट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमने निर्देशित भी किया है और मैं सुनता हूं कि इस दिशा में लोग कार्यरत भी हो रहे हैं। यह विश्वविद्यालय भी इन दिशा में कार्यरत होगा ऐसा मैं अनुभव करता हूं। जल्दी ही यहां कुलपति भी जो नहीं है इसको कार्यभार संभाल रहे हैं हमारे श्रीमान चौधरी जी, कुलपति का चयन भी हो जाएगा, शायद लोगों को परेशानी ना हो। तो ये सारी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, समग्र विकास इस प्रकार का हो, चतुर्दिक विकास ये हो, ये प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, दोनों की तरफ से व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि भविष्य आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। और इसलिए मैं एक बार पुनः उपाधि और पदक प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों, शोधार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।